भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन की वजह से दुनिया भर में देश की जय जयकार हो रही है। भारत G20 के दिल्ली घोषणा पत्र पर सदस्य देशों की आम सहमति बनाने में सफल रहा है। इसे मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह देखा जा रहा है। अब कांग्रेस के नेता भी भारत की इस जीत पर मोदी सरकार की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कांग्रेस नेता और केरल से सांसद शशि थरूर ने G20 की सफलता को लेकर मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पिछले G20 अध्यक्ष देशों ने नहीं किया था। शशि थरूर ने कहा, नई दिल्ली घोषणा पत्र निश्चित रूप से भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। ये एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि सम्मेलन से ठीक पहले तक इस बात को लेकर संशय था कि कोई समझौता नहीं हो सकेगा और ऐसा हो सकता है कि साझा बयान संभव ना हो पाए और ऐसा हो सकता है कि चेयरमैन की समरी के साथ समापन करना पड़े। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि समूह का एक धड़ा रूस यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की आलोचना चाहते थे, लेकिन रूस और चीन चाहते थे कि सम्मेलन के दौरान युद्ध का कोई जिक्र ना हो। भारत ऐसा फॉर्मूला निकालने में कामयाब रहा जिसने इस फासले को मिटा दिया और ये एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है, क्योंकि जब भी कोई सम्मेलन साझा बयान के बिना समाप्त होता है तो इसे चेयरमैन की नाकामी के रूप में ही देखा जाता है। यहाँ चेयरमैन ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। शशि थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए आगे कहा, G20 अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल को देखें तो मैं कहूंगा कि इसमें सरकार की एक पहल बहुत खास थी। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पिछले G20 अध्यक्ष देशों ने नहीं किया। उन्होंने वास्तव में इसे एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बना दिया। 58 शहरों में 200 बैठकें हुई। इस दौरान बहुत सारी कार्यवाही हुई। उन्होंने G20 को एक प्रकार से लोगों के G20 में बदल दिया। सार्वजनिक कार्यक्रम हुए, विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम हुए, नागरिक समाज शामिल हुआ। ये सब हमारी अध्यक्षता में हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भारत को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने G20 के संदेश को लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन ये सत्ताधारी दल का G20 को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की भी एक कोशिश है। सरकार के पास ऐसा करने का हर अधिकार भी है। वो सत्ताधारी दल है। कई देशों ने G20 का आयोजन किया है, लेकिन इससे पहले किसी भी पार्टी ने अपने नेतृत्व का इस तरह से जश्न नहीं मनाया है। ये जो पूरा विश्व गुरु सिद्धांत है, हर 50 मीटर पर मोदी का पोस्टर है, ये सब विज्ञापन है, जैसे ये मोदी और बीजेपी की कोई व्यक्तिगत कामयाबी हो। मुझे लगता है कि इसे लेकर भी कुछ सवाल उठे हैं। हालांकि शशि थरूर ने G20 के आयोजन को लेकर मोदी सरकार की कुछ कमियों को भी गिनाया। उन्होंने आयोजन के दौरान सरकार की तरफ से दिल्ली बंद करने के फैसले पर सवाल उठाया। इसके अलावा थरूर ने G20 के किसी भी आयोजन में विपक्षी दलों को ना बुलाने के फैसले पर भी मोदी सरकार की आलोचना की। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।